अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने देश के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि 25 अप्रैल से शुरू होने जा रहे रमजान के मुबारक महीने में लोग अपने घरों में ही तरावी पढ़ें और सामूहिक रोजा इफ्तार से बचें। दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने एक बयान जारी करते हुए देश के मुसलमानों से अपील की है कि वह रमजान में नमाज खास तौर से तरावी के लिए मस्जिदों में ना जाकर अपने घरों में ही पढ़ें और घरों में भी नमाज और तरावी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और किसी भी हालात में सामूहिक रोजा इफ्तार ना करें, अपने अपने घरों में रहकर ही इबादत करें और इस मौलिक बीमारी से निजात पाने की दुआएं करें। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है और केंद्र व राज्य सरकार हम सबको इस मौलिक बीमारी से बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि हम केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें और अपने अपने जिला प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी किस्म से सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन ना करें। रोजा खोलते समय सिर्फ परिवार के लोग ही सही दूरी बनाते हुए रोजा खोलें। दरगाह दीवान ने कहा कि रोजे में तरावी का एहतमाम अपने अपने घरों में रहकर ही करें और उसमें भी कम से कम लोग ही जमात में रहें। हर माता पिता ये सुनिश्चित करें कि रोजा इफ्तार के बाद रातों में उनके नौजवान बच्चे घरों में ही रहें, किसी भी किस्म से सड़कों या बाजारों में ना निकले। उन्होंने कहा कि रमजान एक मुबारक महीना है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमत और गुनाहों से बख्शीश हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि घरों में रहकर रोजे नमाज की पाबंदी रखें और अल्लाह से दुआ करें कि हम सब हमारा मुल्क इस मौलिक बीमारी से बचा रहे। दरगाह दीवान ने देश के तमाम दरगाहों के सज्जादा नशीन और वहाँ की इंतजामियों को भी हिदायत दी है कि वह केंद्र व राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करते हुए वो देश में अपने अपने प्रदेशों अपने शहरों में लोगों को रमजान में नमाज व तरावी अपने घरों में पढ़ने को कहे और कहीं भी सामूहिक रोजा इफ्तार ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करें। फ़कीर दीवान सैयद ज़ैनुल आबेदीन अली ख़ान औलाद गरीब नवाज व सज्जादा नशीन ख़ान का गरीब नवाज रहमतुल्लाह से आपसे मुखातिब है। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है, लिहाजा इस मुबारक महीने में जितनी इबादत कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो इबादत करें अपने घरों में रह करके, और घरों में रह कर इबादत करने के साथ साथ वो इस चीज़ की पाबंदी रखें कि वहाँ पर घरों के अंदर भी किसी किस्म की तादाद ना तो रोज़ादारों की ज़्यादा हो ना अपने अजीज़ व अक़ारिब की तादाद ज़्यादा हो, और कुरान शरीफ़ की तिलावतें रात के वक्त में तरावी वगैरह नमाज़ें वगैरह वो सब अपने घरों में रह कर के पढ़ें। चूँकि तमाम जगह पर ये एक कोरोना नाम की जो बीमारी फैली हुई है उससे वबा फैलने का अंदेशा है, इसलिए हुकूमत वक्त ने जो पाबंदी जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसकी पाबंदी करना हमारे लिए लाजमी है कि ताकि हम अपने ख़ानदान के अफराद को अपने अजीज़ व अक़ारिब को अपने क़ुर्ब व जवार के रहने वालों को अपने मोहल्लों को अपने शहर को अपने राज्य को महफूज रख सकें इस मौलिक बीमारी से। और इसके अलावा जो सामूहिक रोज़ा इफ्तार किया जाता है वो कतई तौर पर रोज़ा इफ्तार ना करके अपने घरों के अंदर ही रोज़ा इफ्तार करें और उसके अंदर भी ये पाबंदी और इस बात का ख्याल रखें कि हमें अपने ख़ानदान के लोगों को भी ज़्यादा तादाद में आपस में लेकर के नहीं बैठना है बल्कि दूर दूर बैठ कर के उसके अंदर रोज़ा इफ्तार करना है। और रात के वक्त में तमाम रोज़दारों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं इस मौके के ऊपर वो इबादत करें और अल्लाह ताला से पनाह मांगें और दुआ करें कि ए अल्लाह तूने ये हमारे को किस मौलिक बीमारी के अंदर पूरी दुनिया को मुलव्विस कर दिया है, इससे हमें निजात जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इससे निजात दिलाएं। और मैं हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों के सज्जादगान से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अपने इलाके में सख्ती के साथ में इस बात का ऐलान करें कि वो मजमूई रोज़ा इफ्तार से बचें और नमाज़ों के लिए अपनी मसाजिद
के अंदर किसी कीमत पे न जाएं, बल्कि अपने घरों में रह करके कुरान शरीफ की तिलावत करें, नमाजें पढ़ें, तरावी की नमाज अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें इस बीमारी से बचने के लिए, महफूज रहने के लिए और मुल्क से इस बीमारी का खात्मा होने के लिए। इतना ही कहना मैं मुनासिब समझता हूँ।